साथियों, आपके स्क्रीन पर दिख रहा ये बच्चा, ये नौनिहाल नायाब अंजुम के छोटे भाई हैं। वही नायाब अंजुम जिन्होंने अभी हाल ही में यूपीएससी का एग्ज़ाम पास किया है, आईएएस ऑफिसर बने हैं। दरअसल दो दिन कबल हम जब उनका इंटरव्यू करने के लिए गए, तो इंटरव्यू के दौरान ये बच्चा लगातार हमें देखता रहा, हमारी बातें सुनता रहा, और जब तक इंटरव्यू चलता रहा तब तक ये हमारी बातें सुनता रहा और पूरी संजीदगी के साथ हमारे साथ बैठा रहा। जब सारे लोग ने अपनी अपनी बाइट दे दी तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बच्चा खुद से कहने लगा कि सर मेरी भी राय लीजिए, मुझसे भी कुछ पूछिए। मैंने कहा भाई वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बताइए आप भी कुछ। मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूँ कि वीडियो को आखिर देखिए, आखिर तक देखिएगा, मज़ा आएगा। क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जो इस वक्त पहली क्लास में है, एक क्लास में है, फर्स्ट क्लास में है, उनकी बातें इतनी प्यारी हैं, इतनी अच्छी हैं, इतनी निराली है, उसका विज़न इतना ज़बरदस्त है, उसकी सोच इतनी अच्छी है, काबिले तारीफ है। आपके भाई ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है ना, अब ये डीएम बन जाएंगे, है ना जी? आप भी बनेंगे? शायद बन सकते। कोशिश रहेगी आपकी? जी रहेगी। कैसा लग रहा है ये इतना मकाम हासिल कर लिया है तो? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, कितनी खुशी हो रही है? बहुत बहुत, बयान नहीं कर सकते हैं। नहीं, आगे चल करके कोई ऐसा सपना है? अभी तो अगर नहीं है बताया तो, अभी पढ़ाई अगर जब करेंगे तो इस तरह का बनने का सपना है? है। आप भी बनेंगे? ड्रीम उसका क्या ड्रीम है सुनने में बता रहे हैं, कोई और ड्रीम है आपका? है। क्या ड्रीम है? पायलट। क्या तभी तो इधर इतना है। अभी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? फर्स्ट। अच्छा, कौन से स्कूल में? ब्राइट फ्यूचर स्कूल। ब्राइट फ्यूचर, क्या नाम है आपका? शबाब अंजुम। तो पढ़ाई के साथ साथ खेलना पसंद है? हाँ। क्या खेलना पसंद? क्रिकेट। क्रिकेट, क्रिकेटर तो नहीं बनना है ना? नहीं, पायलट बनना है। हवा में उड़ना है। किसने सिखाया क्रिकेट? जीजू ने। पायलट क्यों बनना है? पायलट क्यों बनना है? ऊपर उड़ने में उड़ने का शौक है क्या? क्योंकि अभी तक कोई यहाँ पे पायलट बना नहीं। अरे ये जवाब है, ये जबरदस्त है, बहुत अच्छे। और कुछ कहना चाहते हैं बोलिए, आप खुद से बोलिए, खुद से बोलिए, जो बोलना चाहते हैं, कुछ अगर बोलना चाहते हैं कुछ भी, कुछ बोल कुछ भी। अगर तो गाना सुना दीजिए। अब गाना याद नहीं है। आपका फॉलोवर कितना है यूट्यूब में? अच्छा, यूट्यूब पर भी आप? हाँ। अरे क्या, कौन सा वीडियो डालते हैं? चैनल का नाम बता दीजिए पहले। शबाब अंजुम। किस तरह का वीडियो डालते हैं? हम ऐसे ही एडिटिंग करके डालते हैं। क्या एडिटिंग? चोरी करके नहीं, अपना व्लॉग नहीं डालते हैं, मतलब ऐसे ही जैसे कोई इमेज है तो उसी में ऐसे करके एडिटिंग कर देते हैं, कैन मास्टर से फिर डाल देते हैं। मतलब इमेज को लेकर ही एडिट करते हैं? हाँ, क्रिएटिविटी करते हैं उसमें ही। तो कोई व्लॉग व्लॉग नहीं बनाते हैं? नहीं। कितना सब्सक्राइबर थे? 1480। शाबाश, फर्स्ट स्टेज तो पार कर गए। ये बताइए कि फर्स्ट क्लास, पहली क्लास में है आप ना, तो अभी काइन मास्टर सीख चुके हैं भाई, कैसे सीखा काइन मास्टर? हमको आईडीबीआ सिखाए थे। किधर? आईडीबीआ। अच्छा, उनके लड़के हैं। अच्छा अच्छा, तो काइन मास्टर में क्या क्या कर लेते हैं आप? पहले वहाँ से बॉक्स, इमेज से पहले बॉक्स हटा के, फिर वहाँ पे गाना सेट करने के बाद फिर मेरा गैलरी में आ जाता है, गैलरी से फिर वहाँ पे यूज़ दिस साउंड में जाके फिर वहाँ का गाना ले लेते हैं कोई भी, फिर डाल, फिर यूट्यूब में डाल। अच्छा, अपलोड करते हैं। इमेज में गाना सेट करते हैं? इमेज से बना हुआ रहता है, उसमें गाना सेट करके अपना यूट्यूब में अपलोड करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें ब्लॉग बनाइए, ब्लॉग बनाने का शौक नहीं है? नहीं। अच्छा, आपने कहा कि आपको पायलट बनना है और YouTube पे वीडियो भी डालते हैं आप, तो क्या कभी YouTube पर वो वीडियोस देखते हैं कि भाई जहाज जो है आसमान पे ना, आसमान में उड़ता हुआ जहाज हो, या लोग जो है साहब ट्रेवल कर रहे हैं, बहुत तरह के वीडियोस आते हैं ना YouTube पर, ऐसा देखते हैं? नहीं, हम पहले चलाते थे, अब नहीं चलाते। ओह, पहले चलाते अब नहीं चलाते हैं। चलिए, आप इतने हेल्दी क्यों हैं, मोटे तरह क्यों इतने? आप हवा में उड़ने के लिए? हवा में उड़ने के लिए, ये भी सही है। प्लेन में, प्लेन भारी ना हो क्या? इंग्लिश जानते हैं? इंग्लिश स्पोकन हल्का फुल्का जानते हैं। हल्का फुल्का,
तो आप एरोप्लेन चलाएंगे है ना, स्पेलिंग बताइए तो एरोप्लेन की, AER OPLANE। शाबाश भाई, एरोप्लेन चलाएगा, जरूर चलाएगा।